हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7, SST। एज यू नो वेरी वेरी स्टूडेंट्स, इन SST वी आर डिस्क्राइबिंग चैप्टर नंबर 3, हिस्ट्री, द दिल्ली सुल्तानेट। तो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइम लाइन एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेस्टनीज, एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट। इन प्रीवियस वीडियोज वी हैव ऑलरेडी गिव यू अ केस स्टडी एज अ होमवर्क, सो आई होप यू हैव कम्प्लीटेड द होमवर्क। केस स्टडी को आपने स्टडी कर लिया होगा, और इसके बाद केस स्टडी के बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जो केस स्टडी है, इसमें तुगलक डायनेस्टीज 1320 से 99 के बीच में जो थी वो है जो गयासुद्दीन तुगलक, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। सो इन आफ्टर द केस स्टडी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ तैमूर 1398। तैमूर वॉज अ सेंट्रल एशियन तुर्क हु रेडेड इंडिया इन 1398 CE। ही प्लंडर्ड इट। तैमूर वॉज अ सेंट्रल एशियन तुर्क। तैमूर एक सेंट्रल एशियन तुर्क था जो रेडेड इंडिया, जिसने इंडिया पर छापा मारा 1398 में, एंड प्लंडर्ड इट, और उसको लूट लिया। ही वॉज द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया हु हैड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, जिसने इस्लाम धर्म को माना था। ही वॉज लाइक स्टॉर्म, वो एक तूफान की तरह था, डिस्ट्रॉइंग एनी थिंग दैट केम इन हिज वे, जो भी उसके रास्ते में आता था उसको वो नष्ट करता चला जाता था। ही रैनसैक्ड दिल्ली, मेरठ एंड जम्मू एंड प्लंडर्ड दिल्ली। उसने दिल्ली, मेरठ और जम्मू पर विजय प्राप्त की और दिल्ली को तो लूट लिया। द तुगलक एम्पायर कुड नेवर रिकवर फ्रॉम द ब्लो ऑफ तैमूर इन्वेजन। तैमूर के आक्रमण से तुगलक एम्पायर कभी भी रिकवर नहीं हो पाया। द सैयद डायनेस्टी 1414 से 1526 के बीच में। तो दीज रूरल्स रिमेन इन पावर फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ये ऐसे शासक थे जिनके पास कुछ समय के लिए ही शक्तियाँ आईं। द मेन रूलर्स वर खिजर खान 1414 से 21, मुबारक शाह 1421 से 34 के बीच में रहे, एंड मोहम्मद शाह 1434 से 43, एंड खिलजी आलम शाह 1443 से 51। इन द 1451 द लास्ट रूरल अलाउद्दीन आलम शाह फॉट विद बहलोल खान लोदी ऑफ द लोदी डायनेस्टी। जो लास्ट इनका रूलर था अलाउद्दीन आलम शाह, वो बहलोल खान लोदी से युद्ध लड़ा, जो लोदी डायनेस्टी से था, वॉज डिफीटेड और हराया गया। थस दिस लेड टू द राइज ऑफ लोदी डायनेस्टी, और इस तरीके से बहलोल लोदी की जीत के बाद लोदी डायनेस्टी का जन्म होता है। द लोदी डायनेस्टी 1451 से लेकर के 1526 के बीच में। तो बहलोल लोदी 1451 से 88 तक। बहलोल लोदी वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सिरहिंद। बहलोल लोदी लाहौर और सिरहिंद का गवर्नर था। ही फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी, और उसी ने लोदी वंश की स्थापना की। थ्रू हिज मिलिट्री एक्सपर्टाइज, उसके मिलिट्री के जो एक्सपर्ट थे उनकी हेल्प से ही एनेक्स्टेड मैनी टेरिटरीज सच एज जौनपुर, ग्वालियर एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। और इस तरीके से उसने कुछ टेरिटरीज क्षेत्रों को उसने हथियाया, जैसे जौनपुर, ग्वालियर और कुछ पार्ट नॉर्दर्न इंडिया का और कुछ ईस्टर्न इंडिया का। बहलोल लोदी एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ खान खान। बहलोल लोदी को एक टाइटल मिला खान खानम। ही वॉज टॉलरेंट एंड डिप्लोमेटिक रूलर्स
who checked his rebellious nobles and protected his kingdoms from invasions. Sikandar Lodi 1488 से 1517. सिकंदर लोदी ही वॉज द सक्सेसर ऑफ बहलोल लोदी एंड वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पावरफुल रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी. जो सिकंदर लोदी था उस बहलोल लोदी का सक्सेसर था. इट मीन्स बहलोल लोदी के बाद में वही राजा बना एंड वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द पावरफुल रूलर और बहुत ही ताकतवर और सफल शासक हुआ लोदी वंश का. ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकरेज ट्रेड एंड इनकम कॉमर्स. वो एक बहुत ही योग्य एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था और उसने ट्रेड व्यापार और कॉमर्स को आगे बढ़ाया. ही मेड द कॉमन पीपल्स लाइफ ईजियर. जो सामान्य लोगों के जीवन को उसने आसान किया बाई लोअरिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ डेली यूज. डेली यूज की चीज़ों पर जो प्राइस था बहुत कम कर दिया. ही आल्सो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा और उसने कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया. इब्राहिम लोदी 1517 से 26. ही वॉज द लास्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट. इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तानेट का आखिरी सुल्तान था. वो रूल फ्रॉम 1517 से लेकर के 1526 तक. एज ही अपोज द रिवोल्ट्स ऑफ अफगान नॉबल्स एंड ट्राई टू सफरिस टू नॉबल्स. दे कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड इन्वाइटेड बाबर. बाबर को उसने निमंत्रण दे दिया. द किंग ऑफ काबुल, बाबर जो कि काबुल का राजा था. ही हेल्प्ड इन द वॉर थ्रू इब्राहिम लोदी. उसने इब्राहिम लोदी को निकाल फेंकने के लिए उसकी हेल्प की. बाबर टुक एडवांटेज ऑफ हिज सिचुएशन एंड इनवाइटेड इंडिया. और बाबर ने उस स्थिति का फ़ायदा उठाया और भारत पर 1526 में आक्रमण कर दिया. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी. पहला पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया. इन द सेम ईयर इन विच लोदी वॉज डिफीटेड. और उसी साल लोदी हरा भी दिया गया. एंड बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल डायनेस्टी. थस द दिल्ली सुल्तानेट लेड टू इट्स डाउनफॉल आफ्टर ओवर थ्री कंट्रीज सेंचुरीज. So in this way, your chapter is completed. In our next videos, we will discuss about exercise. So as a homework, you have to do the exercise related to this chapter.